धोखा दे दिया। हाय हाय गाइस, वरुण, सबसे ज्यादा चर्चे जो है आपकी इसी बात को लेकर थे कि आप खतरों के खिलाड़ी जीत चुके हैं, मतलब सबसे ज्यादा ये अफवाह आपके बारे में उड़ी है जब आप केप टाउन में थे। जीत गए अभी रिजल्ट एक्चुअली हमको भी नहीं पता, हम सच्ची बताएंगे कि फिनाले स्टंट हो गया, सब कुछ हो गया, नाउ वी डोंट नो कि हु हैज वन द शो, सो आप किसी से भी पूछ लो, हमको नहीं आईडिया। वो जीत गए तो जीत गए, रूमर्स कह रहे हैं तो जीत गए, जीत गए वरुण कपूर। अच्छा, थैंक यू। तो सबसे ज्यादा डर किस चीज का था और उस पर जीत हासिल कर ली आपने? सही बताओ तो जीत तो किसी डर पे हासिल ऐसा हुई नहीं, क्योंकि अभी भी अगर मेरे सामने सांप रख दोगे तो मुझे डर लगेगा, तो डर सांप का ही था मुझे, पर वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे डर है ऑफ कोल्ड वेदर, ऑफ रेन, बिकॉज एवरी टाइम इट रेन और ठंड होती थी तो हम बोलते थे अब स्टंट कैसे होगा, अब तो मुश्किल होने वाला है, तो हमारे डर और नए पैदा हुए वहाँ पर जाके। एक्चुअली मतलब जब गए थे तो फॉर मी इट वॉज लाइक कि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, बट आई वेंट टू ओवरकम एंड स्लोली स्लोली जैसे हाइट, यू नो वाटर हो गया, हाइट हो गया, ड्राइविंग नहीं आती, बट ऐसे आई थिंक गाइस के लिए भी इतना ही डिफिकल्ट, अर्जुन, वरुण, विशाल, इन सब के भी नए नए फोबियाज हो गए इनको बेसिकली आई थिंक ये हाइट वाइट का डर नहीं था, बट आई थिंक ये जो फ्लैग लेना, ताला चाबी खोलना, ठंडा ठंडा वेदर, बारिश इन सब का डर रहता था। और ऊपर से रोहित सर का डेवलपमेंट कैसा था? नहीं, आई थिंक ही इज प्रीटी कूल, रोहित सर हैज ऑलवेज बीन कूल, काम, कंपोज्ड, एंड आई थिंक वो जैसे आपने सब लोगों ने उन्हें शो पे देखा है, ही इज लाइक दैट एग्जैक्टली विद, ही वाज विद अस, लाइक वो एक मोटिवेटर थे, सपोर्टर थे, फ्रेंड थे, जहाँ उन्हें मस्ती करनी वो हमारे साथ मस्ती भी करते थे, तो आई थिंक ही इज बीन गुड एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो डाउन टू अर्थ। डांट सबसे ज्यादा डांट उसने खाई जिसने स्टंट सही से नहीं किया, वो आपको शो पे पता लगेगा। चोटें सबको लगी थी एक्चुअली, चोटें एक्चुअली सबको लगी थी, नहीं नहीं वहाँ कैप्चर, चोटें एक्चुअली सबको लगी थी, बिकॉज शो ही ऐसा कि स्टंट करते हुए इंजरीज हो जाती है, बट छोटी छोटी चोटें अच्छा लगता है आपको कि आपने कुछ ऐसा किया था, सो या थैंक यू सो मच।